गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके एंड फाइन एट योर होम्स विद योर फैमिलीज। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर 5, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टर्मेरिक, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपनी डेली लाइफ में बेटा बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन, नींबू, हल्दी, कॉमन सॉल्ट, शुगर या फिर विनेगर, छिड़का जिसको बोलते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या सभी का सेम टेस्ट आता है? बिल्कुल भी नहीं, सबका अपना यूनिक टेस्ट होता है। लेट अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्टेड नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमारे पास घर पे नॉर्मली अवेलेबल होती हैं, आपको क्या करना है, इनको टेस्ट करके आपको ये टेबल फिल करनी है 5.1, वेदर दे टेस्ट एज सॉर, बिटर या फिर एनी अदर, कि उनका टेस्ट जो है वो खट्टा आता है, कड़वा आता है, मीठा आता है या कैसा आता है, वो सारा टेस्ट जो है आपको टेबल 5.1 में फिलअप करना है। ओके, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर एंड सम टेस्ट बिटर। आपको क्या लगेगा बेटा कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो खट्टे हैं और कुछ कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ सॉल्टी हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। हम यही पढ़ेंगे कि एसिड्स कैसे होते हैं, बेसिस कैसे होते हैं। कर्ड है, दही है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है या फिर विनेगर है, इनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। इसलिए इन सब्सटेंसेस का जिनका टेस्ट खट्टा होता है बेटा, उनके अंदर एसिड्स होते हैं। ओके, तो केमिकल नेचर्स ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक, और ऐसे सब्सटेंसेस का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। जो वर्ड एसिड है ये एक लैटिन वर्ड एसिड से लिया गया है, जिसका मींस मतलब होता है बेटा खट्टा। एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स, नेचर में पाए जाते हैं बेटा ये, एज इट इज नेचुरल एसिड्स होते हैं। वट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? इफ नॉट, वट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। ये खट्टा नहीं होता है बेटा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एसिड नहीं होता है, इसका जो है वो कड़वा टेस्ट होता है। जब आप इस सोल्यूशन को अपनी फिंगर्स के बीच में इस तरह से रब करके देखेंगे बेटा, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? सॉपी फीलिंग आएगी। तो वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है और उनको अगर हम टच करें तो वो सॉपी फीलिंग देते हैं, साबुन जैसी फीलिंग आती है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिस। और उनका केमिकल नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। ओके, हम हर एक सब्सटेंस को बेटा बिल्कुल टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक जो है वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, और वो हमें जो है वो क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकें कि कोई भी केमिकल एसिडिक होता है या बेसिक। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम बिना टेस्ट किए ये पता लगा लें कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर When added to a solution containing an acidic or basic substance, basically ये किस property पर काम करते हैं बेटा? ये इनका color change हो जाता है जब आप इसको किसी भी acidic या फिर basic medium के अंदर डालते हैं। जैसे कि कौन कौन से indicators use किए जाते हैं? Turmeric, हल्दी का, litmus paper, China rose के जो petals होते हैं, ये कुछ naturally occurring indicators हैं। देखेंगे हम बारी बारी से कि कैसे जो है वो कलर चेंज हो जाता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी फोकस। ओके, जो ये डू यू नो वाली टेबल दे रखी है बेटा, ये आपको जो है वो लर्न करनी है। इसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से एसिड, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर बेटा कौन कौन सा एसिड जो है वो होता है। ओके, और कौन कौन से बेस जो है आपको वो मिलते हैं। तो ये डू यू नो, यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट है बेटा लिटमस। अब हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे, सारे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। लिटमस जो है ये एक नेचुरल डाई है बेटा, जो हमें किससे मिलती है? लाइकन से मिलती है। हम इसको कहाँ से अलग करते हैं? लाइकन से अलग करते हैं। लाइकन्स एक तरह का बेटा ऑर्गेनिज्म होता है, एल्गी और okay.
तो लाइकन्स आर बेसिकली व्हाट बेटा, लाइकन्स क्या होते हैं? ये एक एसोसिएशन होती है एल्गे की और लाइकन्स की, ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बेसिकली। इसका कैसा कलर होता है? माओ कलर होता है, दैट इज़ पर्पल कलर का होता है ये नेचुरली। और जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, एसिड के अंदर रेड कलर देता है और बेसिक के अंदर ब्लू कलर देता है। ये दोनों की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसको ये हमें मार्केट में किस तरह से मिलता है? रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है बेटा। रेड लिटमस को अगर आप एसिड में डालोगे तो ये रेड का रेड रहेगा, बेस में डालोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और जो ब्लू लिटमस पेपर है इसको आप बेस में डालोगे तो ये ब्लू का ब्लू रहेगा, और अगर आप इसको एसिड में डालेंगे तो इट विल चेंजेस टू रेड कलर। ओके, लेट अस प्रोसीड। जस्ट अ मिनट, नाउ देयर इज अ एक्टिविटी, एक्टिविटी 5.1। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। क्या करना है हमें? लेमन जूस को मिक्स करना है बेटा, जो हम छोटे से कप में ले सकते हैं, और उसके अंदर क्या है हमें, जो हम अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे लिटमस सॉल्यूशन की, उसकी कुछ ड्रॉप्स जो है वो उसमें डाल देनी है, और अगर स्ट्रिप ऑफ पेपर है तो स्ट्रिप ऑफ पेपर जो है वो हमें उसके अंदर डिप करके देखना है। तो हमें क्या दिखेगा बेटा, अगर हम उसमें रेड डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर यूं का यूं रहेगा, और अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाल देंगे तो वो कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, यही हम अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ कर सकते हैं बेटा, जो यहाँ पर आपको गिवन है, जैसे टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक्स या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिसका जैसा भी कलर आएगा, कलर के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि अगर रेड कलर में चेंज हुआ है ब्लू तो वो एसिड है, और अगर ब्लू रेड में, सॉरी, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हुआ है रेड कलर में तो देन इट इज़ एसिड, और रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू देन इट इज़ अ बेस। ओके, देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस को आप जो नीचे टेबल गिवन है बेटा उसमें आप जो है वो फिल कर सकते हैं, टेबल 5.2 के अंदर। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैज नो इफेक्ट, कुछ ऐसे भी आएंगे बेटा जिस पर लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेंगे दोनों। ऐसे कौन से होते हैं बेटा? ऐसे सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं, वो सॉल्यूशंस जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ना रेड कलर चेंज होता है ना ब्लू कलर चेंज होता है, दोज आर कॉल्ड एज द न्यूट्रल सॉल्यूशंस। उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशंस जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट इज टर्मरिक, अगला आपका आता है बेटा टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता है क्या होता है? टर्मरिक और हल्दी होती है, और आपने नोटिस भी किया होगा, देखो बेटा जो साबुन होता है घर पे वो बेस होता है, और जब भी हल्दी का कोई दाग हमारी शर्ट पे, हमारे सूट पे लग जाता है तो उसके ऊपर जब आप सॉप अप्लाई करते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है? वो रेड कलर का हो जाता है। तो यानी टर्मरिक को अगर आप बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और एसिड के अंदर टर्मरिक कोई चेंज नहीं देता है बेटा। टेक अ टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। आपको क्या करना है? छोटी चम्मच हल्दी लेनी है और उसका पेस्ट बना देना है, और फिर उसको क्या करना है, पेपर के ऊपर जो है वो स्प्रेड कर देना है, फिर उसको सुखा देना है, फिर उसकी छोटी छोटी जो कट थिन स्ट्रिप्स, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स आपको जो है वो काट लेनी है, फिर वो जो स्ट्रिप्स आपने काटी हैं जब उसको आप सोप सॉल्यूशन में डालेंगे, सर्फ के या साबुन के पानी में डालेंगे, तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो येलो कलर की जो स्ट्रिप्स थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा? यस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? रेड कलर के अंदर हो जाएंगी। तो जो बेस के साथ है टर्मरिक वो रेड कलर देता है, और एसिड के साथ जो है वो कोई भी कलर नहीं देता है। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। नाउ यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे।
आप जो है अपनी मदर के लिए बेटा बर्थडे पे इस तरह का कार्ड बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हो, आप एक मैच स्टिक ले सकते हो, उसके आगे कॉटन लगा सकते हो, फिर हल्दी से जो है वो आप अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हो, फिर कहीं कहीं उसमें रेड शेप डालने के लिए आप जो है वो सॉप सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो इससे जो है वो आप सुंदर सा कार्ड बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है बेटा चाइना रोज एज इंडिकेटर। ये जो यहाँ से जो है बेटा वो हम कल स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।